हमारे देश में क्रिकेट के प्रति दीवानगी देखते ही बनती है क्रिकेट का जुनून, खिलाड़ियों की महफिल और दर्शकों की दीवानगी, ये सब एक साथ आने वाला है इंडियन यूथ क्लब के दीपक गोयल मेमोरियल क्लब के छठे सीजन में। रविवार 1 सितंबर को जीटी कनाल रोड पर स्थित यादव ग्रीन में हुआ इंडियन यूथ क्लब का प्लेयर ऑक्शन, जहां सबसे अधिक 40 करोड़ पॉइंट में स्वरी सचदेवा की बोली लगी। ये दर्शाता है कि इस टूर्नामेंट का स्तर कितना ऊंचा हो चुका है। इस आयोजन के दौरान सभी टीमों की जर्सी लॉन्च की गई और साथ ही शानदार ट्रॉफी का भी अनावरण किया गया, जिसे जीतने के लिए सभी टीमें पूरी ताकत झोंक देंगी। 20 से 22 सितंबर तक गोपीनाथ फार्म में खेला जाएगा क्रिकेट का ये महाकुंभ, जिसमें 8 पुरुष और 2 महिलाएं टीमें होंगी। मैन ऑफ द सीरीज को मिलेगी एक शानदार बाइक, वहीं विजेता और उपविजेता को ट्रॉफी के साथ मिलेंगे आकर्षक इनाम। तो जनाब देर किस बात की, तैयार हो जाइए इस धमाकेदार क्रिकेट सीजन के लिए 20 से 22 सितंबर गोपीनाथ फार्म में, जहां होगा क्रिकेट का असली रोमांच। इंडियन यूथ क्लब एक ऐसी संस्था है जो 2009 में कुछ बच्चों ने मिलकर बनाई थी, हम सब यारों ने मिलकर बनाई थी संस्था, आपस में सब लोगों के साथ मिलकर एक बहुत अच्छा कार्य कर रही है। यूथ को ध्यान में रखते हुए हम लगातार अपने प्रोग्राम करते हैं और उसी में से एक इवेंट जो कि इंडियन यूथ क्लब का दीपक गोयल मेमोरियल क्लब है, वो आज आप सबके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। क्रिकेट का ये हमारा 6th सीज़न है और इस सीज़न में बहुत ज़्यादा टीमें हमारे साथ जुड़ी हैं और इस बार हमने 6 की जगह 8 टीमें की हैं और हर प्लेयर की, हर टीम ओनर ने एक मनगणना कर रखी थी अपने पास से कि वो कैसा खिलाड़ी है, जिसका कि ट्रायल हमने पिछले हफ्ते किया था। और अब ट्रायल होने के बाद अब आप ये देख सकते हैं कि हर प्लेयर कितनी ज़्यादा वैल्यू पे गया है और वो प्लेयर अब बहुत ही कॉशियस प्लेयर है हर टीम के लिए और वो कैसी परफॉर्मेंस करेगा ये आपको 20-21-22 सितंबर को देखने को मिलेगा। 2 टीमें हमारे पास इसमें सूर्या साड़ीज और सौगात बाय बीकानेर के थ्रू हमारे पास 2 टीमें आई हैं जो कि लेडीज़ की टीमें हैं और उन टीमों में हमारे ही फैमिली की लेडीज़ 24 लेडीज़ खेल रही हैं और वो 2 टीमों में बढ़ चुकी हैं और लेडीज़ का मैच फाइनल डे जो कि एक बहुत ही रोमांचक मैच होता है और वो आप सबको देखने के लिए मिलेगा। अब 20-21-22 सितंबर 3 दिन आपको जो है गोपीनाथ फार्म पे ये दीपक गोयल मेमोरियल कप आपको देखने के लिए मिलेगा। और पिछले 6 सालों में हमने क्लब में तरक्की ही देखी है और आगे भी क्लब में बेटरमेंट ही होगी और इस साल तो लाजवाब होने वाला है टूर्नामेंट। इससे बढ़िया वेल ऑर्गेनाइज फंक्शन हो ही नहीं सकता। जिस तरीके से यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, मतलब इंडियन यूथ क्लब के जितने भी मेंबर्स हैं और जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, इससे बढ़िया सिलेक्शन ऑफ टीम, इससे बढ़िया मैनेजमेंट और इससे बढ़िया हौसला अफजाई किसी कोई भी नहीं कर सकता जो इंडियन यूथ क्लब की टीम करती है। हम तीनों को बहुत उम्मीद है, बेहतर खेल देखने को मिलेगा और एक्चुअली हम तीनों ही किसी ना किसी टीम के कैप्टन भी हैं तो हम आपको हमें खेलते हुए भी देखना शायद अच्छा लगे और बहुत मज़ा आने वाला है इस खेल के। इंडियन यूथ क्लब जैसे कि अब तो क्या बहुत पुराना नाम हो चुका, काफ़ी साल हो गए हमारे इस क्लब को और काफ़ी अच्छे लोग इस क्लब से जुड़े हुए हैं दिल्ली के। और इंडियन यूथ क्लब जो है वो एक बहुत एक क्लोज फैमिली गेट टुगेदर है, जिसमें हम लोग सोशल कार्यक्रम भी करते हैं, स्पोर्ट्स का कार्यक्रम भी करते हैं और जिसमें सारी एक फैमिली की तरह रहते हैं और कोशिश करते हैं कि सोसाइटी को जितना हम कुछ दे पाए अपनी तरफ से। बाकी जो है वो सब एक दूसरे को जानने लगे हैं अब बहुत टाइम से इकट्ठे हैं, तो बस इसी तरीके से क्लब बढ़ रहा है आगे, एक दूसरे से लोग मिल रहे हैं, कुछ लोग जो इसके मेंबर्स हैं वो अपने और दोस्तों को लेके आ रहे हैं और इस क्लब के साथ जोड़ रहे हैं, विच इज़ गुड।
जो खिलाड़ी हैं इस बार के वो कोई नए खिलाड़ी नहीं है, नए चेहरे नहीं हैं, और पिछले 4-5 साल से हमारे क्लब के साथ जुड़े हुए हैं और खेल रहे हैं, तो प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं और गेम के साथ साथ जो है हमारा फिटनेस के ऊपर भी ध्यान रहता है। तो हम ये जो करते हैं ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैच, ये हमारा बहुत एक ऐसा इवेंट है जिसमें एक फैमिली और जितने भी क्लब के लोग हैं सब दोबारा से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और लोगों को पता चलता है कि क्लब क्या कर रहा है, कैसे बढ़ रहा है। तो जहाँ तक गेम का सवाल है, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और सब अच्छा खेलने वाले हैं। बाकी तो मैच के जो दौरान जब मैच होगा तब पता चलेगा। गेम कैमरा पर्सन बंटी अग्निहोत्री के साथ मनीष तिवारी की खास रिपोर्ट NNS मीडिया ग्रुप के लिए। तो ये थी आज की खास खबर, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए NNS मीडिया ग्रुप।